नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं नेहा बंसल, द स्टार न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। आइए देखते हैं आज की खास खबर। उछाला पॉलिटेक्निक पूरी बिल्डिंग 1,25,000 स्क्वायर फुट में है और इसके अंदर 30 लैब बनाएंगे। और इधर की एक खासियत यही रखा है हमने कि पॉलिटेक्निक का कॉलेज इसलिए बनाई कि लोग में क्या हो रहा है कि 10वीं के बाद बच्चे लोग जो बीकॉम करते हैं तो बीकॉम की आजकल कोई डिग्री की वैल्यू नहीं है और उसको कोई पगार नहीं देते। जब ये 10वीं के बाद अगर बच्चे टेक्निकल एजुकेशन ले लेते हैं तो एजुकेशन के अंदर पॉइंट क्या आता है कि वो इंजीनियर बनता है तो वो डिग्री भी करना चाहता है तो डायरेक्ट सेकंड ईयर में वो डिग्री भी कर सकता है। थर्ड पॉइंट, कल उसको आईएएस ऑफिसर बनने का है, आईपीएस ऑफिसर बनने का है तो भी वो बन सकता है। तो ये ग्राउंड के ऊपर हमने सोचा है कि भाई टेक्निकल एजुकेशन आज सब बच्चे को रिक्वायरमेंट है। और ये थाना डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये हमारी अपनी जो कॉलेज है वो सबसे बड़ी कॉलेज है। और आपका इधर का एक सरप्राइज वो भी दे रहा हूं मैं कि महाराष्ट्र के अंदर कितना नंबर है, टॉप नंबर में यहां से बच्चे आए हुए हैं पूरा महाराष्ट्र स्टेट का। तो ये कॉलेज के अंदर दूसरी हमारी खासियत और फैसिलिटी हमने क्या दिया है बच्चे को एक प्रोत्साहित करने के लिए कि बच्चे लोग, कोई भी बच्चा फर्स्ट ईयर में अगर वो फर्स्ट क्लास आते हैं तो उसको सेकंड ईयर में हम लोग फी नहीं लेते कि उसको माफ कंसीडरेशन करते हो। तो ऐसी पोजीशन पे हमने क्या किया है कि बच्चे को प्रोत्साहित देने के लिए ये टेक्निकल एजुकेशन दिया। ये स्कूल नहीं है कि उसमें पैसा कमा सके। इंजीनियरिंग कॉलेज में कभी भी कोई भी इंजीनियरिंग कॉलेज में 1 रुपया कोई कमा नहीं सकता। सेकंड पॉइंट कि हमने यहां किसी के पास से डोनेशन नहीं लेते कि जो भी आते जो भी है वो फी भरो और आप स्टडी करो। तो लोग में क्या हो गया कि आज हाईएस्ट हमारे पास स्टूडेंट आ रहे, हाईएस्ट उसको जॉब दे रहे। दूसरी और एक फैसिलिटी हम लोग का प्रोवाइड किया है कि बच्चे 3 साल के बाद वो इंजीनियर बन गया तो उसको जॉब चाहिए तो वो भी जॉब भी हम लोग 100% देने के लिए तैयार रहते हैं। पर 90% बच्चे लोग ज्यादा करके वो डिग्री करना चाहते हैं और ज्यादा करके वो डिग्री में चले जाते हैं। मैं जब 94 में कॉलेज चालू किया था तब 10 स्टूडेंट से स्टार्ट किया था। आज हमारे पास जो 10 बच्चे से स्टार्ट किया था आज हमारे पास 1000 स्टूडेंट इंजीनियर बनते हैं। और वो हमारी ख्वाहिश है हम एवरी ईयर 2,500 इंजीनियर बनाते। स्टार्टेड मुचाला पॉलिटेक्निक इन द ईयर 1995 अंडर द लीडरशिप ऑफ अरुण मुचाला, चेयरमैन ऑफ द साई सेवा एजुकेशन ट्रस्ट। मुचाला पॉलिटेक्निक इज अफिलिएटेड टू महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन एंड रिकग्नाइज बाय गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र एंड अप्रूव्ड बाय ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। एवरीथिंग इज ऑनलाइन एंड वी हैव द ऑनलाइन, देयर इज अ एफसी सेंटर, इट इज अ फैसिलिटेशन सेंटर वी हैव। That facilitation center, all the students can come and enroll there, register their online form in that portal. But here what happened, we call the students as well as the parents and they will come and meet me and we will explain the one-on-one discussion with the students and we ask them what are their interests and we'll show our entire premises to them so that they can see the entire college will have big classrooms and we have all the lab facility, everything is there. So that they will be prepared for they want to take the admission in our college, we'll brief them all the college facilities and they will ask one-on-one discussion with the student what is their interest. In sometimes what we'll feel that some of the students will be interested in taking the admission in civil engineering, but the parents are told them to take, no, you should take in computer engineering. Then we will convince the parents also, we talk to them that it is always listen to the students. Better to have the student choices so that they will be excel in their own field. So we convince them and tell them to take the admission whatever the field they want to enroll in. राजनीति और धर्म से जुड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए द स्टार न्यूज़।